भारी बारिश के चलते नरेंद्र नगर के कुमारखेड़ा के पास पहाड़ी से सड़क पर भारी बोल्डर आ गिरे। मलबा आने के कारण ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। गनीमत ये रही कि सड़क के पास सुरक्षा दीवार बनी हुई थी, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जहां पर भूस्खलन हुआ है उसके ठीक नीचे कुमारखेड़ा बस्ती है। मैं इस समय खड़ा हूँ NH-94 जो कुमारखेड़ा के ठीक ऊपर है। वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कल शाम को 4 बजे लगभग बहुत बड़ी मात्रा में एक मलबा आया है। इन लोगों का कहना है कि ऊपर बड़े बड़े 5 सितारा होटल हैं और जहाँ पर ये इनका वेस्टेज माल या डंपिंग जोन बना रखा है और इनकी पानी निकासी भी यही से की जा रही है। और ये आप देख रहे हो कितनी बड़ी मात्रा है यहाँ पर मलबा है, बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं और खुदा न खास्ता ये बोल्डर अगर नीचे चलता है तो नीचे एक बहुत बड़ी बस्ती है कुमारखेड़ा बस्ती, कितना बड़ी जनहानि हो सकती थी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर मेन कारण ये रहा कि जो सुरक्षा हुई है लोगों की या यहाँ पर जो नीचे कैंप का ऑफिस है वो इसलिए बचा है कि यहाँ पर साइड वाल है और साइड वाल से जो मलबा वो रोड में फैला है। अगर साइड वाल ना होती तो स्वतः ही मलबा पूरी बस्ती में जाता और स्वतः ही बहुत बड़ी जनहानि देखने को मिल सकती थी। पत्थरों की सुरक्षा दीवार के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया है। अगर सुरक्षा दीवार नहीं होती तो कुमारखेड़ा की बस्ती में दुर्घटना हो सकती थी। बताया जा रहा है कि मलबा आने से BRO कैंप और स्थानीय निवासी सुमन चंदौल के खेतों को नुकसान हुआ है। खेत में खड़ी फसल मलबे की भेंट चढ़ गई है, साथ ही कुमारखेड़ा बस्ती के निवासियों की भी चिंताएं बढ़ गई है। रात को बहुत भयंकर मलबा आया जिससे हम रात को सोए भी नहीं, पूरी रात भर हम जागते रहे। इतना बड़ा पत्थर आया वहाँ पे कि हम पूरी रात सोते भी नहीं और तो कुछ नहीं, अपने बचाव के लिए कहाँ जाना हमने। ये अब मकान की हालत भी है, अब मेरे सारे खेत दब गए, अदरक पिना आलू हल्दी सारे खेतों में ऐसा तहस नहस हो गए, पूरा मलमा भर गया हुआ, तो पूरा मलमा हमारे लिए बहुत खतरा, हमारी भी कोई सहायता की जा रही। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि हमारी भी कोई सहायता हो जाए। मैं सर कुमारखेड़ा का बस्ती का हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मलबा वहाँ नीचे जाता तो हमारी बस्ती का क्या हाल होता, बहुत बुरा हाल हो जाते। इधर बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, इधर से जाने से पूरा पूरी बस्ती का डैमेज का वो हाल हो जाता है। कैसे करके धीरे धीरे करके हम लोग कैसे रह रहे हैं, रात को रह रहे कैसे वैसे। मैं भी यहीं कुमारखेड़ा का बस्ती का रहना हूँ। मिली जानकारी के मुताबिक मलबा हटाने में JCB लगी हुई है, लेकिन भारी मात्रा में मलबा आने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। BRO का कहना है कि उनके पास एक ही JCB है, इसलिए मलबा हटाने में समय लग रहा है, जबकि वाहनों की आवाजाही नरेंद्र नगर शहर के लिंक रोड से कराई जा रही है। भारी बारिश होने के कारण ये मलबा आया है। ऊपर होटल का कंस्ट्रक्शन जो भी काम चलता है वो पूरा लूज मटेरियल और पानी का निकास इधर कर रखा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर भी आ रखे हैं, बड़े बड़े बोल्डर भी आ रखे हैं। हम कल से लगातार काम कर रहे हैं इधर, और पहले नीचे का भी खोला है, नीचे गाड़ियां फंसी हुई थी उनको खोल के आए, तो इधर रात ज़्यादा हो गई इसलिए हमने सुबह दोबारा शुरू किया इसको खोलने के लिए, और आज भी पूरा दिन भर काम करेंगे। ये खुलने की संभावना नहीं लग रही है, एक मशीन है हमारे पास। BRO स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुमारखेड़ा के ठीक ऊपर कांडा में महानंदा वेस्टर्न जैसे बड़े होटल हैं जो कंस्ट्रक्शन का मलबा ऊपरी छोर पर डाल देते हैं, और पानी की निकासी भी कुमारखेड़ा के ठीक ऊपर गधेरे में कर रखी है, जिसके कारण ये मलबा आने की घटना हुई है। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए राजेंद्र गोसाई की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।